रीवा जिले के मनगवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत लौर गांव की रहने वाली बेटी रामकली कुशवाहा ने गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित करते हुए रीवा का मान बढ़ाया है, जिसके बाद उसके उत्साहवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा की बेटी से वर्चुअल संवाद किया। रीवा की बेटी से संवाद कर सीएम ने कहा है कि उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे, जिसके बाद बेटी रामकली मुख्यमंत्री से बात करके प्रसन्न हुई। बताया जा रहा है कि रामकली के पिता मजदूरी करते हैं तथा खपरैल घर में रहकर उसका पालन पोषण हुआ, बावजूद इसके रामकली ने ये साबित करके दिखाया कि हौसलों में उड़ान होती है। मैंने गेट में एग्जाम दिया था जिसमें मेरा स्कोर आ गया है, जिससे कि मैं एमटेक कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने सीएम से बात की कि वो मेरी हेल्प करें, मुझे आने जाने का खर्चा लगेगा इंटरव्यू के लिए और फॉर्म फिलअप करने के लिए IITs की, तो मैंने उनसे बात की कि वो मुझे हेल्प करें। हाँ, बोले हैं कि आगे हमें पढ़ाएंगे और हेल्प भी होगी। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बनकर टकराता रहा, कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत में बार बार वापस आता रहा। इन लाइनों को चरितार्थ किया है रीवा के मनगवा तहसील क्षेत्र के लौर गांव की रहने वाली बेटी रामकली कुशवाहा ने, जिसने गरीबी में गुजारा कर पिता की बेपसी को देखते हुए गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित कर रीवा जिले का नाम रोशन किया है, जिसके बाद रीवा की इस बेटी को बधाई देने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटी रामकली कुशवाहा से वर्चुअल संवाद किया। रामकली कुशवाहा से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उसकी पढ़ाई में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे, जिसके बाद रामकली ने मुख्यमंत्री से एमटेक की पढ़ाई करने की इच्छा भी जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करते हुए रामकली ने PhD की पढ़ाई पूर्ण कर शिक्षा के क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि रामकली ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गाँव के विद्यालय से ही प्राप्त की है, जिसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए मनगवा तथा बाद में रीवा पहुंची, जहां से उसके हौसलों को उड़ान मिली और उसने गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित करते हुए ऑल इंडिया में 3290 रैंक हासिल की। रामकली की माने तो उसके पिता मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तथा मजदूरी करते हुए ही उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई कराई तथा आज भी वो खपरैल घर में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं आप? सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी।